हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी फलन दिए हुए हैं इसका हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है, सरलतम रूप में से लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और जो एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है। आप ही सोचिए, अगर यहाँ एक्स की जगह पर मैं 0 लिख दूँ तो जो हमारा मान आएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें इन्फिनिटिव नहीं लाना है, हमें इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर के सभी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तभी हम आसानी से कर सकते हैं जब हमें इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं सब हमें अच्छे से याद हों। इसलिए फ्रेंड, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, उन सब फॉर्मूलों को शॉर्ट्स के रूप में बनाकर YouTube पे अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो इसे हमारे प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं आप वो याद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मानेंगे कि टेन थीटा वो एक्स के इक्वल है। टेन थीटा कितना है? एक्स है। तो थीटा का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। इसी बेस से हम अगर हम निकालें तो अगर हमें अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स है तो हम एक्स की जगह पे टेन थीटा लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? टेन स्क्वायर थीटा। हम एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख रहे हैं? टेन स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस मान को इसमें रखेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे और एक्स की जगह पे हम लिखेंगे टेन थीटा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले याद हो और आप इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस आपको रहेगा तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे? टेन थीटा, क्योंकि हमने माना है। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे और ये माइनस वन ऑलरेडी दिया हुआ है, ये माइनस वन। अब फ्रेंड्स, हम इसे आगे करते हैं। हम लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने क्लास 10 में ही पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब फ्रेंड्स, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा रूट में है तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec थीटा आ जाएगा, यानी tan इनवर्स sec थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अंडर रूट का मान कितना होता है? 1 अपॉन 2, और जो sec थीटा था वो उसमें क्या है? इसका घात स्क्वायर में है, यानी 1 अपॉन 2। तो अगर हम 2 से करें तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि sec थीटा आ जाएगा। आपका आई होप आपको रूट सॉल्व करने आते होंगे। तो sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अगर वो रूट में हो तो हम लिख देंगे उसको sec थीटा। तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब फ्रेंड्स, हम इसे साइन कॉस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब फ्रेंड्स, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे टेन इनवर्स, इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे। तो हम लिखेंगे cos थीटा, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। फ्रेंड्स, हमें इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है, इसलिए हमें इसे भी और सॉल्व करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम इसे आगे करेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम cos थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2। 1 तो जो क्वेश्चन है वही है, और बाकी cos थीटा हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। फ्रेंड्स, ये अपवर्तक मान है, cos थीटा का अपवर्तक मान, इसको हम थीटा बाई 2 के रूप में लिखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब हमें सारे फॉर्मूले याद हों। हमने इसको फॉर्मूले पे ही बस रखा है। cos थीटा का अपवर्तक मान क्या होता है?
वन माइनस, जैसा अगर कॉस टू थीटा रहेगा हमारे पास, अगर हो कॉस टू थीटा, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे आपके पास कॉस टू थीटा होगा, इसका मान हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये आपका अपवर्तमान है। लेकिन अगर इसका अपवर्तक मान निकालना होगा तो कॉस थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये बाई है थीटा बाई टू। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था, तो माइनस ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और मैंने कॉस थीटा का अपवर्तमान लिखा है तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसी प्रकार साइन थीटा का हम क्या लिख देंगे, इसका हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो फ्रेंड्स अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू से टू साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। तो हम इसे लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, तो साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा। अगर आप सोचिए, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू। अब फ्रेंड्स हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, हम टेन इनवर्स को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन, वन अपॉन टेन, ओनली वन अपॉन टेन रहेगा, वन अपॉन टेन इंटू टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, इन्हें बस फाइनली क्या बचा, थीटा बाई टू। अब फ्रेंड्स हमने थीटा बराबर पहले ही माना था कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अपॉन टू, टेन इनवर्स अपॉन टू के हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, थीटा बराबर हमने माना था टेन इनवर्स एक्स, तो वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स। और फ्रेंड्स यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, यानी कि यानी क्वेश्चन जो पांचवा था उसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।